गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर सेकंड ईयर। आज आपका पेपर है सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपका टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। पेपर सेकंड, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। कल मैं आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप करा रही थी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का और मैंने आपको बताया था साधारण शब्दों में औसत। जितनी संख्या होंगी, जितने समूह होंगे, उन समूह में बार बार जो नंबर आ रहा है वो सभी संख्याओं का क्या होता है, औसत होता है या उन सबका प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन प्रकार बताए गए थे, मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। मध्यमान सबसे शुद्ध मान होता है, मध्यांक उससे कम शुद्ध होता है और बहुलांक उससे दोनों से कम शुद्ध होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मैंने आपको महत्व करवाए थे, सीमाएं करवाई थी। आज मैं करा रही हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना। केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना, केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों की तुलना। सॉरी, पॉइंट ऐसा आएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों की तुलना। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे जब अध्ययन, जब अध्ययन द्वारा प्राप्त अंक वितरण, प्राप्त अंक वितरण सामान्य और सिस्टमैटिकली है, होता है, तब तीनों ही केंद्रीय, तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में समानता रहती है। ऐसी अवस्था में मध्यमान मध्यांक और बहुलांक तीनों का ही समान मान प्राप्त होता है। मतलब जब हम तुलना करते हैं तीनों ही मापकों की, तब जब हम अध्ययन द्वारा प्राप्त अंक वितरण सामान्य या सिमेट्रिकल होता है, तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में क्या होती है, समानता भी होगी। और ऐसी अवस्था में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों का ही मान समान होता है। हम आगे जब सवाल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि एक ही जब हम सवाल कर रहे हैं तो उस सवाल से हम मध्यमान निकालेंगे, चाहे हम मध्यांक निकालेंगे या चाहे बहुलक निकालेंगे, एक ही
होता है। सेकंड, जब अध्ययन द्वारा प्राप्त अंक वितरण में विषमता होती है तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के मानों में अंतर होता है। मतलब जब अध्ययन द्वारा प्राप्त अंक वितरण में विषमता है, मतलब चेंजेस है, अलग अलग चेंजेस है, या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग, सपोज मान लो एक के अंक अलग दे रखे हैं और दूसरे के अंक अलग दे रखे हैं, तो दोनों में विषमता है, चेंजेस है, तब तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के मानों में अंतर होगा। ये हमारा सीआई तो सेम है, लेकिन जब हम एफ दे रखा है तो एफ हम क्या कर रहे हैं, जब मध्यमान निकाल रहे हैं तो एफ अलग है, मध्यांक निकाल रहे हैं तो हमें आवर्ती अलग दे रखी है। भाई विषमता है, इधर भी आवर्ती अलग दे रखी है, इधर भी अलग दे रखी है। जब आवर्तियों में चेंजेस है तो तीनों ही मानों में भी चेंजेस आएगा। फिर थर्ड, जब अंक वितरण में धनात्मक विषमता होती है, तब मध्यमान का मान कम, मध्यांक का मान अधिक, और बहुलांक का मान उससे अधिक होता है। जब अंक वितरण में क्या धनात्मक विषमता होगी, मतलब प्लस में साइन होंगे सारे, तो तब मध्यमान में का मान कम, मध्यमान का जो मान है वो कम होगा, मध्यांक का मान अधिक और बहुलांक का मान सबसे अधिक होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब अंक वितरण में ऋणात्मक विषमता होती है तब मध्यमान का मान सबसे अधिक मध्यांक का
मध्यम का मान कम और बहुलांक का मान और बहुलांक का मान सबसे कम होता है। भाई जब अंक वितरण में क्या हो, ऋणात्मक विषमता हो, माइनस में साइन हो, तब मध्यमान का मान सबसे अधिक होगा, मध्यांक का उससे कम और बहुलांक का सबसे कम होगा। धनात्मक में तो बहुलांक का मान सबसे अधिक होगा, लेकिन ऋणात्मक विषमता में बहुलांक का मान सबसे कम होगा। फिफ्थ पॉइंट है केंद्रीय प्रवृत्ति के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में मध्यमान सबसे शुद्ध मध्यम सबसे शुद्ध मध्यम उससे कम शुद्ध मान तथा बहुलांक सबसे कम शुद्ध मान होता है। जब मैंने आपको तीनों बताए थे मध्यमान मध्यांक और बहुलांक, तब मैंने आपको यही बात बताई थी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में मध्यमान जो है सबसे शुद्ध मान माना गया है, मध्यांक उससे कम और बहुलांक सबसे कम शुद्ध मान माना गया है। अब आप पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का सबसे फर्स्ट प्रकार मध्यमान। सबसे फर्स्ट प्रकार क्या पढ़ेंगे? मध्यमान। मध्यमान कैसे किसने है, मतलब हमें कह सकते हैं अगर इसकी डेफिनेशन में सपोज मान लो ले कि सारे जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों को जोड़कर और उसी नंबर के जो नंबर दे रखे हैं उस नंबर को काउंट करके उसका भाग दिया जाए और जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो मध्यमान या औसत कहलाता है। अब डेफिनेशन संख्याओं के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान मध्यमान कहलाता है। मध्यमान को सामान्य गणित में औसत कहते हैं। अगर हम सिर्फ मध्यमान की परिभाषा लें तो मध्यमान किस
कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मध्यमान मध्यमान वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। दो परिभाषा दिखाऊंगी मैं आपको। मध्यमान की कौन सी रिकॉर्ड है सर्किशन के अनुसार कि मध्यमान वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सेकंड परिभाषा है सेकंड एफ सी मिल्स के अनुसार माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। यह मध्यमान की परिभाषा फिर है क्योंकि सपोज मान लो आपके थ्योरी आती है मध्यमान की कि मध्यमान कहते किसे हैं या मध्यमान का अर्थ क्या है, मध्यमान का प्रयोग कब किया जाता है, तब आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और अगर सवाल आता है तो सवाल करना पड़ेगा, और सवाल आपको नहीं करना है तो आपको थ्योरी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यमान का प्रयोग कब किया जाए। यहां भी ले सकते हैं कि मध्यमान का उपयोग कब करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जब प्राप्तांकों का सामान्य वितरण हो, क्योंकि जब प्राप्तांकों का सामान्य वितरण हो क्योंकि तभी मध्यमान उस समूह का उचित प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब जब प्राप्तांकों का सामान्य वितरण हो क्योंकि तभी क्या करेगा मध्यमान, सब पूरे समूह का उचित प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे कहते प्रवृत्ति में मैंने इसी बात को कहा था कि बार बार जो नंबर आता है और वो सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है वो मध्यमान या औसत कहलाता है। दूसरा, जब अधिक शुद्ध केंद्रीय मान ज्ञात करने हो, क्या करने हो, जब सबसे अधिक शुद्ध मान याद करने हो केंद्रीय प्रवृत्ति के, तब मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, जब दो या
का तुलनात्मक तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन करना हो, जब दो या तीन संख्याओं की केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना आपस में करनी हो तब भी मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी वितरण के सभी प्राप्तांकों का समान महत्व देना हो, जब हमें अंक वितरण में सभी प्राप्तांकों को क्या करना हो, समान वितरण या समान रूप से रखना हो, इक्वली रखना हो, तब भी इस मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। और फिफ्थ, मध्यमान की गणना उस समय भी की जाती है जब दिया हुआ अंक वितरण सामान्य होता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है प्रामाणिक विचलन और सह संबंध आदि की गणना में मध्यमान की गणना की आवश्यकता होती है। सेवंथ है बहुलांक की गणना करते समय भी मध्यम या मध्यमान की आवश्यकता आवश्यकता पड़ती है। तो यह मध्यमान की गणना को का प्रयोग किया जाता है। फिर आज आपका गृहकार्य प्रश्न है मध्यमान का अर्थ समझाते हुए इसका प्रयोग कब किया जाता
है वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। क्या कर रहे हैं? प्रश्न है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।